दोस्तों, हर एक के अंदर एक सबकॉन्शियस माइंड होता है और इस सबकॉन्शियस माइंड में अगर ब्लॉकेजेस हो जाए, ब्लॉकेजेस किस प्रकार होते हैं? ब्लॉकेजेस होते हैं अनकॉन्शियसली एक्सेप्टेड बिलीव्स के साथ, थॉट्स के साथ और मेमोरी के साथ। तो ये चीज डॉक्टर लेन ने महसूस की जब वो उनकी हिस्ट्री पढ़ रहे थे। हर एक पेशेंट के अंदर सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ब्लॉकेज था और वो ब्लॉकेज निकालना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर वो ब्लॉकेज उसी इंसान के अंदर रहता है तो यूनिवर्स उन्हें मदद करने की कोशिश तो जरूर करता है, पावर तो लगाता है, बट ड्यू टू दिस ब्लॉकेज दे आर नॉट रेडी टू गो अहेड। और ये सारी चीजें अनकॉन्शियसली एक्सेप्टेड बिलीव्स, थॉट्स, मेमोरीज उसके स्टैक के स्टैक ऊपर उनके माइंड में जमा है और ये निकालना बहुत ही जरूरी है। अगर वो निकल जाते हैं तो यूनिवर्स भी उन्हें मदद करेगा। यूनिवर्स बेसिकली ये सारी चीजें उनको उनके फ्यूचर के अच्छा फ्यूचर बनाने में रोक रही थी, रेजिस्टेंस डाल रही थी। तो ho'oponopono टेक्निक से डॉक्टर यू लेन इन्होंने मदद करी इन पेशेंट को और ये प्रोसीजर उन्होंने कंसिस्टेंट करते रहे और उसका अमेजिंग रिजल्ट क्या आया होगा दोस्तों। जितने भी पेशेंट उस वार्ड में थे वो सारे पेशेंट अच्छे हो गए, हील हो गए। और आश्चर्य की बात ये है कि ये सारी हीलिंग उन्होंने डिस्टेंस हीलिंग के माध्यम से की थी। एक भी बार वो उन पेशेंट से मिले नहीं थे, सिर्फ वो उनके साथ सबकॉन्शियस लेवल पे कनेक्ट हुए थे। इस टेक्निक बहुत ही सिंपल है, आपको पता है इस टेक्निक में 4 मंत्रास है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू।